अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। आजकल की लड़कियों को ना छोटी छोटी बच्चियों को प्यार हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों को प्यार हो जाता है। क्यों हो रहा है ये सब? इसलिए ना मेरी माँ, क्योंकि आज बच्चे टीवी पे कुछ भी देख रहे हैं, मोबाइल में कुछ भी देख रहे हैं। इसलिए बच्चे जब मोबाइल लिया करें आपसे, तो आप ये जरूर देखा करो कि मोबाइल लिया तो है पर देख क्या रहा है। आजकल के माँ बाप तो इतने लापरवाह हैं कि खुद बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, ले बेटा खेल ले, और बाद में रोते हैं, महाराज जी मोबाइल दिया क्यों आपने, दो थप्पड़ नहीं मार सकते। प्यार भी करना है बच्चों को, पर डांटने के समय पर डांटो, डांटने के समय प्यार करोगे तुम्हारा बिगाड़ कितना बड़ा होगा वो तो समय बताएगा। बच्चों को मोबाइल उतना ही दो जितनी देना। क्यों है भाई, हम पूछ रहे हैं क्यों देना है मोबाइल? यदि ऑनलाइन क्लास है तो दे दो, और क्लास के समय भी देख के रखो तो देखते रहो क्या देख रहे हैं, नजर बनी रहे। ऐसा तो नहीं कि मोबाइल में कुछ और देख रहे हैं। कौन जिम्मेदार होगा कुछ गलत चीज मोबाइल पे देखने लगे तो? मोबाइल में तो आज इंटरनेट में सब चीजें हैं, अच्छी से अच्छी भी हैं, बुरी से बुरी भी हैं, आपको क्या देखना है? तो आपके बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है, पड़ोसी नहीं आएगा देखने। मोबाइल नहीं दीजिए बच्चों को, कहानियां सुनाइए, कथाएं सुनाइए, अच्छी चीजें सुनाइए, अच्छी चीजें बताइए। कंट्रोल समय अभी समझाने का है, समझाओ। बच्चे जिद करते हैं दो थप्पड़ मारो, कैसे जिद करेगा? हम लोग भी बच्चे थे, वही जिद करते थे, माँ तुरंत जड़ देती थी एक गाल में। पिताजी, हमारे पिताजी तो बड़े इतना लाठी रखते ही थे 24 घंटे अपने पास, कुछ भी 3-5 हम लोगों ने किया, एक दो नहीं 10-20 मारते थे। हमारे पिताजी ने तो तार ले आए थे, तार मोटा वाला तार, उसमें प्लास्टिक चढ़ा, तार से मारते थे। जब मारते थे तो 15 दिन तक निशान रहता था। गलती मतलब गलती। और हम बच्चे थे तो हम सहते भी थे कि चलो बाप मार रहा है। आजकल के बच्चों को आप एक छप्पड़ मार देते हैं नाराज हो जाते हैं, क्योंकि जूजू बना रखा है तुमने बच्चों को। पहले के बाप अच्छे थे, जूतों से मारते थे और बच्चे चुपचाप अपने काम में लग जाते थे। तुम्हारा ये जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार तुम्हें रुलाएगा, तैयार रहना रोने को। ये जो तुम ज्यादा मेरा पेड़ा बेटा है, कर लो ठीक है, आएगा तुम्हारी काम आएगा। समय है, बच्चों को प्यार कीजिए, पर गलती करें तो उन्हें डांटिए। डांट से नहीं माने तो भय बिनु होए न प्रीत, जरूरी है। दो चार थप्पड़ मां के पढ़ने जरूरी है, यदि नहीं माने तो। और ये जिद्दी नहीं कि मां ने दो चार मारा तो बच्चे ने भी मां को मारना शुरू कर दिया। आजकल के बच्चे ऐसे, मां ने मारा तो वो मां को ही मारते हैं, ऐसे वाले संस्कार तो तुम्हें न डूबेंगे। मतलब तुमको अच्छी मां बनना भी नहीं आया, अच्छी वाली मां बनो मेरी मां, गांधारी जैसी मां ना बन जाना। मां दो प्रकार की है, एक कौशल्या मां है और एक गांधारी मां है, एक कुंती मां है एक गांधारी मां। ये गांधारी किसकी मां है, जोर से बोलो, गांधारी किसकी मां? इनकी आंखों में क्या बंधी है, पट्टी। तो जो बच्चे मोबाइल चला रहे हैं और मां चुपचाप तमाशा देख रही है, ये गांधारी, इसकी आंखों में पट्टी बंधी। और तुम गांधारी बनोगी तो तुम्हारा दुर्योधन ही बनेगा, अर्जुन तो बन नहीं सकता, क्योंकि अर्जुन तो कुंती का होगा, अर्जुन तो कुंती का होगा, गांधारी का नहीं होगा। तो मैया, केवल बच्चों की गलती नहीं है, माँ बाप की भी गलती है। बाप धृतराष्ट्र हो तो बेटा तो भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी ही खींचेगा, चीर हरण करेगा, तुम्हारी औलादें भी चीर हरण करेंगी यदि तुम धृतराष्ट्र बन गए तो, और तुम गांधारी बन गई तो। और यदि तुम कुंती बन गई, तुम यदि कौशल्या बन गई, तुम यदि सुनीति बन गई,
तो इतिहास रचेंगे तुम्हारे बच्चे, इतिहास में तुम्हारा नाम होगा कि धन्य है माता मदालसा। माताओं में जब नाम आता है तो श्रेष्ठ माताओं में माता मदालसा का नाम आता है। जन्म देते ही, होशियार होते ही बच्चों को भगवान में लगा दिया माता मदालसा ने अपने बच्चों को। बेटा कहां लगे हो तुम संसार में, भगवान का भजन करने आए हो, सारे बच्चों को भगवान से जोड़ दिया, कल्याण कर दिया। तो मदालसा के पति ने कहा एक आध बच्चे तो छोड़ दो जो कि राजकाज संभाले। छोड़ दिया एक को, पर उसकी लॉकेट में एक तहवीज में भोजपत्र से लिख के गई, बेटा जब कोई संकट आए तो ये तहवीज से निकाल कर पढ़ लेना। एक दिन उसके दुश्मनों ने घेर लिया और बड़ा परेशान हुआ। तब उसको याद आई कि माँ ने कुछ कहा था कि बेटा जब विपत्ति आए तो इसको पढ़ लेना। तहवीज खोला, निकाला और भोजपत्र, कागज जैसा होता है भोजपत्र, उसको खोला तो माँ ने लिखा था, बेटा ये संसार मिथ्या है, कहाँ तुम जीत के भी, आज तुम युद्ध में जीत भी गए तो जीत कर भी क्या प्राप्त कर लोगे, जीत लो अच्छा है, लेकिन जीत कर अपने मन को ना जीते तो तुम्हारी जीत बेकार है। बेटा सबको जीत लिया मैंने, सारे देशों को, सारे राजाओं को जीत लिया, पर अपने मन को ना जीत पाया तो मैं सबको जीत कर भी हारा हूँ। और जिसने अपने मन को जीत लिया वो सब कुछ जीत गया है। सारी दुनिया को वही जीत सकता है जिसने अपने मन को जीता हो। बेटा मन को जीतो, दुश्मनों को, राजाओं महाराजाओं को जीतने नहीं आए। किसे जीतना है, किसे जीतना है, मन को जीतो, दुनिया को नहीं। इसलिए उस बच्चे को ज्ञान हो गया, उसने जीत कर युद्ध को और सब अपने पुत्रों को देकर तुरंत भगवान के चिंतन में अब मन को जीतना। थोड़ा बच्चों को जरूर ये नॉलेज देना, संस्कार देना चरित्र का, है ना। छोटे छोटे बच्चों को गलत रास्ते पर चले जाते हैं और बाद में वो पश्चाताप भी करते हैं, पर अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई। इसलिए मैं अपने देश की बेटियों से हाथ जोड़ता हूँ और कहता हूँ कि आप लोग प्यार व्यार के चक्कर में बिल्कुल ना पढ़ा करो, है ना। पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, अपना सेटल हो जाओ, अपने काम काज को, बिजनेस व्यापार को ठीक कर लो। इसके बाद जब शादी हो जाए तो अपने पति से और अपनी पत्नी से प्यार करना, पत्नी पति से और पति पत्नी से। और जब आप चरित्रवान बन के अपने पति पत्नी में आगे बढ़ेंगे तो आपकी संतान बहुत अच्छी होगी। यदि आप चरित्र से गिर गए तो फिर आपकी संतान भी उसी संभावना से चलेगी। इसलिए आपको बचना है।